हेलो बच्चों, आई एम शेख तैयब एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। एंड टुडे इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब लिक्विड एट रेस्ट, यानी लिक्विड एक जगह रुका हुआ है, ठीक है। एंड पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास, पहेली, ठीक है। यानी कुछ एक ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है, क्या है पैराडॉक्स? तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रो की जो टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कौन सा है? वाटर। तो सारे के सारे कंटेनर में सेम लिक्विड है, एक जैसा ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऊपर चार कंटेनर है और चारों में सेम लिक्विड है, यानी वाटर है। लेकिन इसमें कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि चारों के चारों कंटेनर में जो लिक्विड का प्रेशर है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें पैराडॉक्स जैसी क्या बात है? इसमें पैराडॉक्स जैसी बात यह है कि आप देख सकते हैं ये बड़ा कंटेनर है, यहाँ लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब लिक्विड का मास ज़्यादा है। तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पे प्रेशर इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये कंटेनर देखो छोटा है, अब ये छोटा कंटेनर है तो इसका मास कम है, तो आप सोचते हैं कि इसका मास कम है, इसका वेट कम है, तो यहाँ इसका प्रेशर भी कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे के सारे कंटेनर में जो प्रेशर की वैल्यू है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर का। क्या फॉर्मूला है प्रेशर का? P इज इक्वल टू एच जी इंटू रो, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है लिक्विड का वो हाइट पर डिपेंड है, यानी कितने हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कंटेनर में जो हाइट ऑफ द लिक्विड है वो सेम है। एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि चारों कंटेनर में वाटर ही है और सबका डेंसिटी सेम है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। तो जब सबका हाइट सेम है, सबकी डेंसिटी सेम है और ग्रेविटी की वैल्यू सबके लिए कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर सबके सब कंटेनर में क्या होगा? सेम होगा। तो लिक्विड का प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नीचे भी एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं ये बड़ा कंटेनर दिख रहा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, लिक्विड इसमें सबसे कम है, बट आप इंडिकेटर में नीचे देख सकते हैं सब पे प्रेशर का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये था बच्चों हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हमारे टेक्स्ट बुक में क्या पॉइंट दिया है, हम उस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आप समझ गए होंगे। अब पॉइंट्स हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें भी कंटेनर देखो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट, कंसिडर इंटरकनेक्टेड वेसल एज शोन इन फिगर ए। आप देख सकते हैं सारे के सारे कंटेनर आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, व्हेन द लिक्विड इज प्योर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल द लेवल ऑफ द लिक्विड इन ऑल द वेसल इज सेम। बोलता है तुम किसी एक कंटेनर में अगर लिक्विड आप फिल करोगे, ठीक है, तो ये भरते 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 सारे कंटेनर में भरेगा और सबका लिक्विड लेवल सेम होगा, मतलब सबकी हाइट जो है सेम ही होगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे लिक्विड ऊपर चला जाएगा, इसमें कम रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सबकी हाइट सेम होगी। इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। यही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बोले यहाँ पैराडॉक्स जैसी क्या बात है, मैं बताता हूँ, आप जरा ध्यान दो। पॉइंट नंबर थ्री में बोला है द प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट। बोलता है जो प्रेशर यहाँ पर डिपेंड है, जो प्रेशर की वैल्यू हर एक पॉइंट पर, ठीक है, हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम के हाइट पर डिपेंड है। एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड,
ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड है। तो आपने जब एक कंटेनर में लिक्विड भरा और वही चारों जगह गया, इसका मतलब डेंसिटी तो सेम है ही, और आप देख रहे हैं कि हाइट भी सबकी सेम है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, एच इंटू रो इंटू जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। जब सबका हाइट सेम है और सब में लिक्विड ही है तो सबका डेंसिटी भी सेम होगा, ग्रेविटी की वैल्यू सबके लिए कॉन्स्टेंट होती है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो सेम होगा। तो यही है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो बोले इसमें पैराडॉक्स जैसी बात यहाँ पर यह है कि आप ऐसा सोचते हैं कि इस कंटेनर में लिक्विड ज़्यादा है, जब यहाँ लिक्विड ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस कंटेनर में बोले पतला कंटेनर है, इसमें लिक्विड कम है तो यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह प्रेशर का वैल्यू सेम है, चाहे कहीं लिक्विड ज़्यादा हो, लिक्विड का मास ज़्यादा हो, चाहे कहीं लिक्विड का मास कम हो, लेकिन मास के ऊपर डिपेंड नहीं है, हर एक पॉइंट पर प्रेशर का वैल्यू सेम है। यही पैराडॉक्स है कि जैसा हमको लग रहा है वैसा नहीं हो रहा है, सब जगह प्रेशर का वैल्यू सेम है। तो उसने बोला फोर्थ पॉइंट में, देखो आप, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, यानी यहाँ पर जो प्रेशर का वैल्यू है, ये प्रेशर का वैल्यू लिक्विड के शेप पर डिपेंड नहीं है, साइज पर डिपेंड नहीं है, ये तो डिपेंड है ओनली हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यानी लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी, इस पर डिपेंड है। देन पॉइंट नंबर 5 में बोलता है, देयरफोर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम इन ईच वेसल इज सेम, तो हर एक लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर का, जो लिक्विड का जो हाइट है वो सेम है। Therefore, pressure of liquid column in each vessel is same, यानी हर एक vessel में pressure का value same है, हर एक liquid column में pressure का value same है, and the system it is in equilibrium, this means that the liquid vessel in C does not rise in vessel B, इसका मतलब ये हुआ जब सब जगह pressure का value same है तो C का जो liquid है वो B में rise नहीं होगा, मतलब ऐसा हम सोचते हैं ना कि यहाँ लिक्विड ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये लिक्विड जो है इसको पुश करेगा, यहाँ का लिक्विड ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब जगह प्रेशर का वैल्यू सेम है, इसीलिए सी का लिक्विड बी में राइज नहीं करेगा, ना सी का लिक्विड डी में राइज करेगा, सबका लेवल कैसा होगा, सबका लेवल एक जैसा सेम होगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए, यही है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स 2 मार्क्स के लिए, तब तो आप जो है ये इतने पॉइंट लिख देंगे तो इट्स ओके, चलेगा, और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पैराडॉक्स एक्चुअली क्या है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स की वजह क्या है, तो फिर जो है फिर हमको इस पार्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इस बात को समझने के बाद आप समझ जाएंगे, ये जो पैराडॉक्स है, जो पहेली है, वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है यहाँ पर। पॉइंट नंबर 6 में दिया है, कंसीडर फिगर बी, द एरो इंडिकेट्स द फोर्स एग्जर्टेड अगेंस्ट द लिक्विड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल, यानी इस कंटेनर में, इस वेसल में जो लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, हर जगह लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्सेस हैं, ये देखो, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से ये कंटेनर के वॉल पे फोर्सेस हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइंस दिख रही है एरो, ठीक है, ये वॉल पे फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बोलता है द एरो इंडिकेट्स द फोर्सेस अगेंस्ट द लिक्विड बाय द वॉल्स ऑफ द वेसल, इस लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से इस वेसल के वॉल पर ये नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। दीज फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द वेसल एट ईच पॉइंट, और ये फोर्सेस कैसा है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है वेसल के वॉल पे, कैसा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर फोर्स को मैं एन से दिखाता हूँ, ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करना, एन से दिखा रहा हूँ मैं, एन नॉर्मल रिएक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स है। पॉइंट नंबर 8 में बोलता है, दीज फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो पूरे वॉल पे फोर्स है तो बहुत सारी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया। बोलता है ये जो नॉर्मल फोर्स है ये 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है।
तो वर्टिकल कंपोनेंट को मैं एन साइन थीटा बोलता हूं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं बोलता हूं एन कॉस थीटा, ठीक है। तो बच्चों जैसा इस तरफ वॉल पर उस मॉलिक्यूल की वजह से जैसा प्रेशर है, जैसा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सिमिलरली कंटेनर के इस तरफ भी जो है, जो मॉलिक्यूल है उसकी वजह से वैसा ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये देखो, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बाद नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, दिस इज अ वर्टिकल कंपोनेंट विच इज अ एन साइन थीटा एंड इट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज अ एन कॉस थीटा, ठीक है। मैंने दोनों तरफ बोल दिया, तो मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 8 में आप द फोर्सेस कैन बी रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो फोर्स है, मैंने एक लाइन को बताया कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया है, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, आप देख सकते हैं दोनों जगह जो वर्टिकल कंपोनेंट है कौन से डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई दे आर कैंसल विथ ईच अदर। तो ये फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो फोर्सेस, ये जो कंपोनेंट है, दे आर कैंसल विथ ईच अदर। तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट सिर्फ क्या होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों इस आप देख सकते हैं कंटेनर को तीन सेक्शन में डिवाइड किया, इसको सेक्शन ए और ये सेक्शन बी और ये सेक्शन, इसको भी ए बोला है, ठीक है। तो दोनों ए वाले सेक्शन जो है, इस पर जो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है गेट कैंसिल विद ईच अदर, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किधर होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिर पॉइंट नंबर नाइन में देखा द वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन पॉइंट नंबर 10 द वेट ऑफ द लिक्विड इन द सेक्शन बी इज नॉट बैलेंस्ड। दोनों ए सेक्शन के लिक्विड जो है वो तो बैलेंस हो गए, लेकिन जो बी में जो लिक्विड है, यानी इस बीच वाले पोर्शन में जो लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो इधर है। तो बोलता है द वेट ऑफ द लिक्विड इन द सेक्शन बी इज नॉट बैलेंस्ड, दोनों सेक्शन ए वाले जो लिक्विड और उसके मॉलिक्यूल हैं वो बैलेंस हो गए, ठीक है, बट जो बीच में जो सेक्शन दिख रहा है, बी सेक्शन में जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, दैट दे आर नॉट बैलेंस्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट द प्रेशर एट द बेस। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो लिक्विड हैं, यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं, ये बेस पर प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी बेस सेक्शन यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एंड सो इट इज नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स। अब आपको बात समझ में आई, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अब ये पैराडॉक्स नहीं रहा, अब ये हमारे लिए कोई पहेली नहीं रही। अब आप समझ गए कि कोई कंटेनर पतला हो, चाहे कोई कंटेनर कितना भी चौड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन सब हर एक पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू सेम क्यों होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा साइज जो दिख रहा है, यहाँ के जो फोर्सेस हैं ये तो कैंसल हो गए और अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट, जो एक्चुअली हर पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू सेम हमको जो मिल रही है, वो सेक्शन बी का जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको जो प्रेशर का वैल्यू सेम मिल रहा है। अब ये हमारे लिए कोई पहेली नहीं रही, अब हम समझ गए ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स जो ऐसा हो रहा है कि हर पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यू सेम मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, ये इस कंपोनेंट की वजह से मिल रही है, ठीक है। तो बच्चों ये था हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स और ये था उसका कॉज, यानी ये पैराडॉक्स क्यों हुआ, ये उसकी वजह है, ठीक है। तो मैं स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।